हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? ठीक है बच्चों? स्टूडेंट्स, अभी आपका संस्कृत पीरियड है और अभी आपको संस्कृत पढ़ेंगे इस पीरियड में। और संस्कृत में आज आपको पार्ट तीन पढ़ेंगे। पार्ट तीन का शीर्षक है संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग एकवचन। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने पिछले पार्ट दो में संज्ञा शब्द पुल्लिंग एकवचन आप लोग पढ़े थे। आज आप लोग संज्ञा शब्द में स्त्रीलिंग एकवचन पढ़ेंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लिंग तीन तरह के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और वचन संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आज आप लोग स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे और स्त्रीलिंग शब्द में एक वचन पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके कठिन शब्दार्थों को पढ़ेंगे, इसके कठिन शब्दार्थों के अर्थ को जानेंगे। बालिका, बालिका का अर्थ होता है लड़की। आचार्या मिस अध्यापिका, ठीक है, लेडीज टीचर को आचार्या कहते हैं। शारदा यानी सरस्वती, माँ शारदा, माँ सरस्वती को कहा जाता है। गंगा यानी गंगा। चटका का मतलब होता है चिड़िया। चटका का अर्थ क्या होता है? चिड़िया। धेनु यानी गाय। वर्तिका मतलब बतख। कलिका यानी कली। एड़का मतलब भेड़। चरती मतलब चरता है। पेज नंबर 10 में आप लोग देखेंगे यहाँ स्त्रीलिंग ईम शब्द का प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोगों ने पुल्लिंग में अयम शब्द का प्रयोग उस दिन पढ़ा था। अयम का अर्थ भी यह होता है और अयम जो है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है और ईम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। ईम किसके लिए प्रयोग होता है? ईम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। ओके, और अयम पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। इसका अर्थ भी यह होता है और अयम का अर्थ भी यह होता है। दोनों का अर्थ यह होता है, लेकिन फर्क इतना ही है कि ईम का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है बच्चों, और अयम का प्रयोग पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं, ईम का अस्ति, यह कौन है? ईम बालिका अस्ति, यह बालिका है। बालिका किम करोति, लड़की क्या करती है? बालिका लिखति, लड़की लिखती है। दूसरा है, ईम आचार्या अस्ति, यह अध्यापिका है। आचार्या किम करोति, अध्यापिका क्या करती है? आचार्या पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है। ईम रमा अस्ति, यह रमा है। रमा किम करोति, रमा क्या करती है? रमा क्रीडति, क्रीडति मतलब खेलता है, खेलती है होता है, रमा खेलती है। यम एड़का अस्ति, यह भेड़ है। ओके, यम एड़का अस्ति, यह भेड़ है। एड़का किम करोति, भेड़ क्या करती है? एड़का चरती, भेड़ चरती है। जिस तरह से आप लोग बच्चों इस ईम का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द में पढ़ेंगे, इसके कठिन शब्दार्थों को भी याद करेंगे, ठीक है? आपको पेज नंबर 11 में अभ्यास कार्य दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को आप संस्कृत भाषा में लिखिए, ठीक है? यहाँ हिंदी में सब दिया हुआ है, मकड़ी, गाय, भेड़, चिड़िया, बकरी, बतख, इसको आपको संस्कृत में लिखना है। दूसरा आपका प्रश्न है, निम्न शब्दों की लिंग पहचान कर सही स्तंभ में लिखिए। पुल्लिंग, एक स्तंभ पुल्लिंग का दिया हुआ है, एक स्तंभ स्त्रीलिंग के लिए दिया हुआ है, और ऊपर में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को छांटना है और दोनों बॉक्स में
लिखना है। एक बॉक्स में पुलिंग शब्द को छाट के लिखना है और एक बॉक्स में स्त्रीलिंग शब्द को छाट के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगहों को भरना है तो यहाँ रमा दिया हुआ है, रमा खाली जगह दिया हुआ है, तो इसके आगे क्या होगा? रमा क्रीडति, इसमें आपको भरेंगे रमा क्रीडति, डैश और खाली जगह, तो यहाँ पे आप लिखेंगी लिखेंगे आचार्या, इसके पहले आप लिखेंगे आचार्या पाठयति, आचार्या पाठयति। घ में है बालिका डैश, बालिका लिखति, क्या आप लिखेंगे इसमें? बालिका लिखति। ग में है डैश चरति, तो कौन चलता है? ए डका, इसमें आप लोग भरेंगे ए डका, ए डका चलती यानी कि भेड़ चलती है। तो इस तरह से आप लोग इस खाली जगह को पूरा करेंगे, खाली जगह को भरेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आज का आपका पाठ 3, संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग एकवचन। तो बच्चों आप लोग इसे अच्छा से पढ़िए अभी और इसके कठिन शब्दार्थों को याद कीजिए, और अभी आपका ये संस्कृत क्लास ओवर होता है। बाय।